वेलकम। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह लालमणि एडुकेटर में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। जावा में टू डायमेंशनल एरे कैसे होते हैं। वैसे टू डायमेंशनल एरे हम हर जगह एक ही तरह से होता है, यूज करने के कुछ तरीके अलग होते हैं। तो सबसे पहले टू डायमेंशनल एरे जो है वो डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। एक टेबल क्रिएट करता है जिसमें डेटा को रखता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि टेबल्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ भी रोज एंड कॉलम्स बनेंगे। दिस इज कॉल्ड रोज। ये रो बना इस तरीके से, ये रोज क्रिएट होगा। हम जितना रो चाहेंगे उतना रो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और ये जो हुआ ये कॉलम्स हुआ, और ये जो गैप्स हुए ब्लॉक्स, ये सारे ब्लॉक्स डेटा जिसमें कंटेन होगा। 2D एरे को हम लोग कह सकते हैं इट इज एरे ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे, क्योंकि ये जो हम एक रो देख रहे हैं ये एक रो एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे मल्टीपल रोज क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि मल्टीपल सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट हो रहा है। तो ये कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे हुआ। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द 2D एरे इज द कलेक्शन और द एरे ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। और इसको डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, हम जैसे सिंगल एरे को करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। डेटा टाइप्स यहाँ मेंशन किया जाएगा, फिर वेरिएबल। अब यहाँ रो और कॉलम्स के लिए दो बॉक्स आएंगे। पहला रो के लिए होगा और ये जो दूसरा वाला है ये कॉलम के लिए होगा। और उसके बाद हम न्यू लिखेंगे, डेटा टाइप कितना रो साइज चाहिए, साइज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और कितना कॉलम चाहिए उसका साइज हम डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 2D एरे को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 2D एरे हमारा हमने डिक्लेयर किया एरे ए, और इस एरे ए में रो का साइज है 3 और कॉलम का साइज है 3। तो ये रो, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो ये 3 रो बने। और यहाँ पे ये देखिए आप 3 कॉलम्स, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम बने। पहले रो 0, दूसरा रो 1, तीसरा रो 2। उसी तरह से ये पहला कॉलम 0, ये दूसरा कॉलम 1 और ये तीसरा कॉलम 2। तो हमने साइज दिया 3 3, तो यहाँ 3 रो और 3 कॉलम्स बने। और हर रो की आइडेंटिटी और कॉलम की आइडेंटिटी 0 से शुरू होगा। और ये जो बॉक्स दिख रहा है, हर एक बॉक्स एक एक डेटा को कंटेन करेगा। हर बॉक्स का आइडेंटिटी रो और कॉलम दोनों से आइडेंटिफाई होगा। तो इसका रो है 0 और इसका कॉलम भी है 0। तो इस पोजीशन का इंडेक्स नंबर यानी आइडेंटिफिकेशन इसका जो हो गया वो हो गया 0 0, रो 0 कॉलम 0। इसका हो गया रो 0 कॉलम 1, इसका हो गया रो 0 कॉलम 2। उसी तरह से ये बीच वाले का रो 1 हो रहा है कॉलम यहाँ पे 0, फिर यहाँ रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 2, फिर ये रो 2 और कॉलम 0, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। तो इस तरीके से जो भी जितना भी हम साइज लेंगे उतना ब्लॉक्स, लॉजिकल ब्लॉक्स क्रिएट होगा। अब डेटा इस हर एक ब्लॉक में जाएगा। डेटा रखने के लिए जैसे हम देंगे यहाँ पे पहला डेटा, जैसे हम लोगों को रखना है तो पहला डेटा हम रखना चाहेंगे तो 0 0 पोजीशन पे ये पहला डेटा जाएगा। जो भी डेटा हम यहाँ देंगे ये फर्स्ट पोजीशन, इस पोजीशन पे ये डेटा आ गया। फिर दूसरा डेटा रखना होगा, दूसरा डेटा 0 और 1 की इंडेक्स पे जाएगा। जो डेटा रखा जाएगा वो इस पोजीशन पे आ गया। तीसरा डेटा इंडेक्स नंबर रो 0 और कॉलम 2, जो भी डेटा रखा गया वो डेटा यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हर रो और कॉलम
को यूज करते हुए हम लोग डेटा को रखेंगे। चौथा डेटा रो वन कॉलम जीरो पे आ गया, तो ये रो वन कॉलम जीरो इस पोजीशन पे ये चौथा डेटा आ गया। इस तरीके से ये वैल्यू चलता रहेगा और डेटा हम लोगों का स्टोर होता रहेगा। तो ये जो है पहले तरह का डिक्लेरेशन हुआ जिसमें हमने एरे को डिक्लेयर किया, डेटा हम जरूरत के हिसाब से बाद में रखेंगे। हम एक और तरीके से 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया एरे ए और यहाँ पे डेटा को असाइन किया, हमने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट डेटा रखा। तो जैसे डेटा रखें, जितना डेटा हम रखेंगे वो साइज डिक्लेयर होगा। तो ये जो ब्लॉक्स दिख रहा है ये ब्लॉक्स रो के लिए चल रहा है और इसके अंदर ये जो डेटा है आ गया वो कॉलम के हिसाब से आ गया। तो ये पहला रो हो गया जीरो और इस पहले रो का ये सब इंडेक्स नंबर, ये कॉलम जीरो, कॉलम वन और ये कॉलम टू। उस तरह से ये रो नंबर वन, इसका कॉलम जीरो, कॉलम वन, कॉलम टू। यहाँ पे डिसिमिलर कॉलम्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रो हुआ तीन लेकिन इसमें कॉलम आ गया, ये जीरो, ये वन, ये टू, सॉरी यहाँ पे तीन ही है, वैसे हम डिसिमिलर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मैंने एक क्लास क्रिएट किया है टू डायमेंशनल एरे, इसमें दो एरे मैंने डिक्लेयर किया है इस तरह से, ठीक है। इस पहले वाले एरे ए में इंडेक्स नंबर के हिसाब से मैंने वैल्यू खुद स्टोर कर दिया यहाँ पे। दूसरे वाले में वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया गया हुआ है। तो पहले एरे में इंडेक्स नंबर को यूज कर करके वैल्यू असाइन किया गया, दूसरे में डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वैल्यू को रख लिया गया। एरे से वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो लूप चल रहा है इसका साइज, पहला लूप आई का, ये रो के लिए चल रहा है, रो नंबर के लिए, और ये लूप में यूज किया गया यहाँ कॉलम नंबर के लिए। तो रो शुरू होता है जीरो से टू तक, क्योंकि हमारा हमने देखा था कि रो हमारा कहाँ तक जा रहा है, तीन रो है तो इसका इंडेक्स कितना चलेगा, जीरो से दो तक। कॉलम भी हमारा तीन है तो इसका इंडेक्स चलेगा जीरो से दो तक, यानी रो का भी जीरो से दो तक और कॉलम का भी जीरो से दो तक। इस एरे में रो हमारा दो है, कॉलम तीन है, तो यहाँ पे रो सिर्फ दो बार चलेगा, जीरो से वन। तो यहाँ पे अब ये रो का लूप जीरो से शुरू होगा, कॉलम का लूप भी जीरो से शुरू होगा, तो पहला डेटा प्रिंट होगा जीरो जीरो इंडेक्स का। फिर कॉलम का लूप आगे बढ़ेगा, कॉलम का लूप जब आगे बढ़ेगा लेकिन आई की वैल्यू जीरो, यानी रो वन जीरो रहेगा, कॉलम वन हो गया। फिर ये जीरो और टू होगा और फिर जे की लूप खत्म होगी, आई का वैल्यू वन होगा, आई का वैल्यू वन होगा, जे फिर से जीरो से शुरू होगा, आई वन और जे जीरो। तो आप देख सकते हैं कि आई वन और जे जीरो, यानी इस पोजीशन से अब वैल्यू निकलना शुरू हो गया। इस तरह हमारा सारा वैल्यू रिट्रीव हो जाएगा, लूप हमारा पूरा चल जाएगा और सारा वैल्यू रिट्रीव हो जाएगा। ओके, और फिर ये दूसरा लूप है दूसरे एरे के लिए, ये जीरो से वन तक। हमने वहां पे देखा था कि हमारा ये जो एरे है जिसका रो सिर्फ दो था, तो इसका लूप रो के लिए जीरो से वन तक और कॉलम के लिए जीरो से दो तक, क्योंकि कॉलम तीन था। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं एडिट प्लस में और रन करा के आप इसको चेक कर सकते हैं। और भी आपको मैं कुछ और भी प्रोग्राम्स इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आप इसको देखें, समझें, पढ़ें। आपके लिए मैं इस वीडियो की लिंक अपने वीडियो में URL दे दूंगा,
आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।